वेलकम बैक टू द माई चैनल। सो फिलहाल मैं आज अलग ही एकदम शूट कर रहा हूँ। सो मैं आया था नियर बाई एक पहाड़ी है अपना, यहाँ पे घूमने उमने की जगह। सो फिलहाल मैंने सोचा इस जगह इस लोकेशन पे एक वीडियो शूट करके डालता हूँ, कैसा क्या एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। सो फिलहाल मैं आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको TCS बैंड रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं। सो फिलहाल अगर ये क्वेश्चन आपका है तो कम्प्लीटली आप रिजेक्ट कर सकते हो, बैंड आपका रिलीज हुआ है। अगर आप चाहते हो कि बैंड रिलीज हमें रिजेक्ट करना चाहिए तो आप कम्प्लीटली बैंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि यार अच्छा मैंने जो साल भर काम किया वो अच्छा किया है, मेरे हिसाब से बैंड सही नहीं मिला है, तो आप रिजेक्ट बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मल वे में एकदम अच्छे से पोलाइटली आप बात कर सकते हैं अपने सीनियर से, जो लीड आपका होगा, मैनेजर जो होगा, आपको उधर से कॉल आएगा खुद ही कि भाई आपने क्यों रिजेक्ट किया। सो आपके साथ डिस्कशन हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है। फिलहाल आपको बस ये करना है कि जो अगर आप ट्रू है, आप सही है कि आपने काम किया है साल भर और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे काम के अकॉर्डिंग बैंड नहीं मिला है तो आपने रिजेक्ट किया है, तो आप फॉर्मली वे में अपना सब पुट कर सकते हो, आपका जो ना जो आपने काम किया है, क्या किया है, नहीं किया है, छुट्टियाँ कितनी, सब आराम से एक एक पहले अपना अपना लिस्ट बना के रखो कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे मुझे डिस्कशन करना है, क्या क्या पॉइंट्स मुझे बोलने हैं, अपने तरीके से एकदम तैयारी से रहना, फिर आराम से बोलना, कोई दिक्कत, कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। आराम से अगर रिजेक्ट किए फॉर्मल वे में बात कीजिए, ये पक्का है कि यार आपका बैंड वो यू नो चेंज ना करे, 99% में यही होगा। तो ये बोल सकते हो लोग कि यार कि एचआर हेड जो है उसने अभी अप्रूव नहीं किया है जो हमने बैंड को आपका चेंज किया है। सो फिलहाल कुछ चेंज तो होगा नहीं, बट हाँ एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, मैं आपको बता दूँ कि आपका बैंड नेक्स्ट ईयर जो होगा वो सही देंगे, वो सोच के कि भाई इसको रिजेक्ट करेंगे फिर वही प्रॉब्लम। फिलहाल मैं वीडियो के यही समाप्त करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।